कैसा आप सब लोग, स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू फर्म में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया के एक न्यू कीपैड फोन के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसका नाम है नोकिया 8210 4G फोन। इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग भी एक न्यू कीपैड 4G फोन बाय करने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो को कम्प्लीट देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस फोन का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपको इस फोन के अंदर क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्या इसका प्राइस है। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। डिजाइन आप स्क्रीन में देख सकते हो, क्लासेस आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाता है विद बिग स्क्रीन। इस फोन को आप सैंड ब्लू और रेड कलर में बाय कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 2.8 इंच की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में आपको यहाँ पर 240x320 पिक्सल रेजुलेशन मिल जाएगा और 143 PPI डेंसिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको यूनिसॉक का T107 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ में आपको 1GHz का CPU प्रोसेसर मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको 0.3 मेगापिक्सल का VGA कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके साथ में आपको LED फ्लैश भी मिल जाती है। अगर हम बात करें मेमोरी की तो यहाँ पर आपको 48MB की RAM मिल जाती है, 128MB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको कि आप एक्सपेंड कर सकते हो अपनी मेमोरी कार्ड लगाकर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ, वायरलेस FM रेडियो, USB, मैसेजिंग, ब्राउजर, गेम्स, फोन बुक, कॉल रिकॉर्ड्स, लाउड स्पीकर और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर के साइड आपको इसमें एक टॉर्च देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप डुअल 4G सिम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी की। इस फोन के अंदर आपको 1450mAh की रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एक बिग बैटरी है और ये आपकी 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगी। प्राइस की बात करें तो इस फोन को आप 4000 rupees के अप्रोक्स बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा नोकिया 8210 4G फोन का रिव्यू, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको इस फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्या इसका प्राइस है। तो अगर आपको ये फोन पसंद आया और आप इसे बाय करने की सोच रहे हो तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी या फिर इस फोन का कौन सा फीचर पसंद आया मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।